सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चल रहा विरोध मक्सी में अभी देखने को मिला। इस कार्यक्रम में तमाम बड़े बड़े नेता वक्ता मौजूद थे। भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन के समर्थक मौजूद रहे। शाजापुर जिले के मक्सी नगर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर धरना दिया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रगान के साथ शुरू कार्यक्रम संविधान बचाओ मंच के तहत किया गया। राष्ट्रगान के साथ पवित्र कुरान की तिलावत की गई और देशभक्ति के गजल और नज्म प्रस्तुत की गई। इस दौरान मंच पर अतिथि के तौर पर हजरत मौलाना इकबाल साहब गुजरात, हजरत मौलाना हिफरजुर रहमान साहब संभाग काजी उज्जैन, हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ साहब महितपुर बंटी बनाजी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शाजापुर रुबीना खान पार्षद खजराना इंदौर, अनवर कादरी पार्षद इंदौर, सोहरा पटेल कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदौर, नरेश कप्तान जी कांग्रेस नेता शाजापुर, शौकत हुसैन कांग्रेस प्रदेश महामंत्री देवास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का संदेश है जो दो दिन पूर्व आपने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके कि सीएए मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, इसका प्रस्ताव बना के उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। और रही बात सीएए एनआरसी एनपीआर की, तो ये मध्य प्रदेश में लागू होने वाला नहीं है। और साथ साथ ही कमलनाथ जी से प्रेरणा लेके जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज हैं और जहाँ गैर भाजपा सत्ता में है वहाँ ये प्रस्ताव पास कर दिया। दबंग न्यूज के लिए मक्सी से मंगल सिंह कालमा की रिपोर्ट।